सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विवादित आदेश जारी किया है। जब भी कोई फोन कॉल आएगी तो कर्मचारी को हेलो की जगह वंदे मातरम कहना होगा। यही नहीं, बैठकों और सरकारी आयोजनों में भी अभिवादन वंदे मातरम से करने को कहा गया है। अब इस आदेश पर विरोध शुरू हो गया है। आज गांधी जयंती के दिन से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी फोन पर हेलो की जगह वंदे मातरम बोलेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने GR यानी सरकारी आदेश जारी किया है। इस आदेश का मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने विरोध करते हुए कहा कि सरकार का मकसद हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे। आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है, हम उसी के आगे सर झुकाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते, सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे। वहीं सरकार का कहना है कि वंदे मातरम बोलने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का प्रिय मंत्र था। इस बीच अबू आजमी ने मराठा कार्ड खेलते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया कि क्या उन्होंने RSS के दबाव में बाला साहेब के प्रिय अभिवादन जय महाराष्ट्र को छोड़ दिया है। मैं लाइफ में 1-2 बार उनसे मिला था, महाराज साहब से जब मिला था तो जय महाराष्ट्र ही सुना था उनसे टेलीफोन पर, जय महाराष्ट्र। इनके जितने सिपाही थे, आप भी शिंदे साहब जय महाराष्ट्र बोलते थे। आज के आप BJP और RSS के दबाव में आप मुखिया हो महाराष्ट्र के, और इस महाराष्ट्र में एक GR इशू हो जो जय महाराष्ट्र को छोड़ करके वंदे मातरम बोलना हो, मैं समझता हूँ आप भी लगता है इस दबाव में आ गए हो। फोन कॉल पर हेलो की बजाय वंदे मातरम कहने की बात अगस्त में ही सरकार ने की थी, लेकिन सरकार ने अब आदेश जारी कर इसे आज से लागू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee Media।